हे दोस्तों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग एंड नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत आप लोगों का कमेंट आया, बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट देखा है और उसका एनालिसिस करके आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत ही काम की इम्पोर्टेंट वाली जानकारी आप लोग के लिए लेके आया हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत ज़्यादा वाला। तो चलिए दोस्तों, मेरा नमस्कार, मैं मदन अपने यूट्यूब चैनल एटी ब्लॉग में आपको करता हूँ तहे दिल से स्वागत। दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा होगा, कई बंदे का मैसेज आया था मेरे पास, या आपने मेरे कमेंट सेक्शन भी आप पढ़ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भैया मैं सेकंड हैंड गाड़ी ले लूँ क्या, और लूँ तो किससे लूँ। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैं इनसे लूँ उनसे लूँ फलाना ठिकाना जमाना, मतलब बहुत सारे नाम आते हैं। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, किससे इससे क्या होगा, बंदा प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बड़ी मेहनत से शिद्दत से आपको आपके लिए पेश कर रहा हूँ ये वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर सब्सक्राइब शेयर फॉलो कर देना। दोस्तों देखिए, दोस्तों होता क्या है इस लाइन में, टैक्सी लाइन में उन्ना का दुन्ना भाव टैक्सी ड्राइवर को बेचा जाता है। टैक्सी ड्राइवर वही शिकार होते हैं ये डीलरों का, जो बड़े बड़े डीलर हैं, कहते हैं कि 2 लाख काम दूंगा, 1 लाख काम दूंगा, 50,000 काम दूंगा, 5 लाख का काम दूंगा, ठीक है। दोस्तों तो सभी बंदे सतर्क हो जाओ, सतर्क मतलब सावधानी बरतना शुरू कर दो, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को अपने रडार पर लेने के लिए डीलर कुछ भी बोल के आपको काम गाड़ी अपना बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी बिल्कुल ध्यान में रखना, किसी भी डीलर से गाड़ी लेना ठीक नहीं है। जो डीलर कहता है कि 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है, 50,000 किलोमीटर चली है, भाई साफ साफ झूठ बोल रहा है। कौन नहीं जानता यार ओला उबर टैक्सी ड्राइवर कि भाई इस लाइन में अगर डेली का 200-300 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलेगी तो गाड़ी का पैसा कैसे निकलेगा, गाड़ी की ईएमआई कैसे निकलेगी, घर खर्चा कैसे निकलेगा। तो साफ साफ झूठ बोल के झूठ के खेती का दुकानदारी करते हैं लोग, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना बॉस, कहीं ना कहीं आपके फायदे की ये चीजें हैं। तो किसी भी डीलर से ना लेकर के आप सीधा ड्राइवरों से मिलो, ड्राइवरों से लो गाड़ी, तो उसमें ज्यादा बेहतर इसलिए है कि कल को आपके साथ गड़बड़ ना हो। अब कोई डीलर कहता है कि 18 मॉडल है या 20 मॉडल गाड़ी है, और जिसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंश्योरेंस जो पेपर में है उससे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए ज्यादा ज्यादा। बस नई गाड़ी का वैल्यू कितनी आती है, अगर 8 लाख के डीआर आ रही है तो न्यू वैल्यू गाड़ी का 6 लाख 5,75,000 रुपये दिया जाता है, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है वैल्यू के हिसाब से, इंश्योरेंस के कवर के हिसाब से। लेकिन यहाँ टैक्सी जो डीलर है, डीलर लोग है, वो लोग कुछ भी, आप 5 लाख का गाड़ी बेच रहे हैं, 7 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, भाई इतने में तो नई गाड़ी आ जाती है यार, जिस हिसाब से डाउन पेमेंट करवा रहे हैं, ये 2 लाख दे दो आप गाड़ी ले जाओ, 3 लाख दे दो गाड़ी ले जाओ, 5 लाख दे दो गाड़ी ले जाओ, भाई कहां से कैसे मुझे बताओ कि कौन बंदा कह रहा है कि मैं 2 लाख का 1 लाख का बिलिंग करवा दूंगा, बताओ कहां से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो भाई जागरूक तो बनिए अपने आप को, ताकि कल को ऐसा ना हो कि भाई आपका घर बेचने का नौबत आ जाए। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके हित के लिए ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत लोगों का कमेंट आने वाला है, एंड हो सकता है कि इसमें अभी डीलरों का भी फोन आना शुरू हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, कि आप हमारे खिलाफ नेगेटिव वीडियो क्यों बनाए। लेकिन भाई ये हकीकत है कि आज के डेट में सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं लोग तो टैक्सी ड्राइवर, न्यू ड्राइवर को मुर्गी बना रहे, मुर्गा बना रहे, समझ रहे हो। तो ऐसा गलती ना करें दोस्तों, अगर आपको ही टैक्सी लाइन में ही काम करना है तो या तो शोरूम से गाड़ी ले, या किसी ड्राइवर से आपस में पता करें जिनके पास गाड़ी बेचने लायक हो, वो बंदा बेचने वाला हो, उनसे ही गाड़ी लेना भाई, ठीक है। मैं किसी डीलर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारे डीलर का अपना अपना एक हिसाब किताब है, लेकिन यह हकीकत है जितनी भी गाड़ी आती है बैंक से खींची हुई गाड़ी होती है, समझ रहे हो ना, बैंक से खींची हुई गाड़ी 90% गाड़ियां बैंक से खींची हुई गाड़ी होती है। जैसे कोई डील अपना टैक्सी ड्राइवर काम नहीं कर पाया, सपोज कीजिए कि बंदा थक गया यार कि मेरे बस की नहीं है टैक्सी चलाना, वो बंदा डीलर को बेच देता है, ठीक है, या तो फिर नहीं बेचता है डीलर। आप वही गाड़ी 5 लाख का लेकर के आप डीलर को बोलना कि भैया मैं 1 महीना चलाया मुझे समझ नहीं आ रहा, 5 लाख रुपए रिटर्न दे दो, आपको क्या जवाब मिलता है, समझ रहे हो। मुश्किल से मुश्किल 3 लाख रुपए लगाएगा रेट, 3 से 3.5 लाख रुपए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। हाँ जी
इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों, अगर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही जेब कटने वाला है, ना कि दूसरे का। और कोशिश करो भाई कि किसी भी ड्राइवर से सलाह लो, किसी भी ड्राइवर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अपनी डिसीजन लेना ठीक है, लेकिन सलाह लेना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। इस बात को ध्यान में रखना कि किसी भी डीलर से कोई बंदा कहता है कि 5 लाख की बिलिंग करके दूंगा, 10 लाख की बिलिंग करके दूंगा, भाई कहीं हो ही नहीं सकता यार। कोई अपना डेयरी वाला कहता है कि मेरा दही खट्टा है, ये बताओ, आप लोग समझदार हो यार। कोई बंदा कहता है कि अपना दही खट्टा है लेकिन उसमें चीनी डाल के बेच दिया जाता है कि हमारा दही मीठा है, समझ रहे हो। तो ऐसा करते हैं लोग, लेकिन इस दुनिया में ना हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना 125 करोड़ से 140 करोड़ हो चुका है, 150 करोड़ का लगभग हमारा हिंदुस्तान का जनसंख्या है। इसमें मैं कहता 1% भी लोग बेवकूफ बनने लगे ना, बन ही रहे, लगभग लोग बन ही रहे, गाड़ी लेके खूब रो रहे, खूब रो रहे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया मैं इनसे ले लिया, फलाना से ले लिया, ढिकाना से ले लिया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, मेरे को काम नहीं हो रहा, गाड़ी लगवा के नहीं दिया, लगा के दिया तो छूट गया काम, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें कमेंट आती है। लेकिन कमेंट आए, कुछ लोग कॉल भी आए, लेकिन कॉल पे मैं जितना वो नहीं करता, लेकिन कमेंट भी मैंने कई बंदे को देखा है, ठीक है। तो ये मैं पर्सनली आप लोग को अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई गाड़ी ही लेना है ना सेकेंड हैंड, तो किसी जानकार बंदे से ले लो, मोटर वाले के पास मत जाओ भाई। मोटर वाले भाई साहब बहुत बंदे को लूटते हैं, बहुत हिसाब किताब उल्टा सीधा बना रखा है। तो प्लीज इस बात को समझो, हाथ जोड़ के निवेदन है जितने भी टैक्सी ड्राइवर जो इस लाइन में आना चाहते हो, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी ड्राइवर को बेच दो। अपनी आजकल सोशल मीडिया पर पोस्टिंग वगैरह डाल के आप बेच सकते हो गाड़ी को, लेकिन किसी टैक्सी डीलर्स के साथ ऐसा काम ना करें भाई। खास करके मैं बता रहा हूँ, इससे नुकसान कतई कतई बहुत ज़्यादा होता है। और बैंक की खींची हुई गाड़ी सबसे ज़्यादा 1 लाख में आती है, 6-6 लाख में बिक के जाती है। बहुत मोटा धंधा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, समझ लो। जितना पैसा दे के आते हो ना डीलरों को, उतने पैसे में नई गाड़ी आ जाएगी। आप जरा बैकग्राउंड को हिस्ट्री उठा के देखो। अभी एक भाई का मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इससे क्या होता है प्रमोट होता है आदमी, प्रमोट क्या होता है, फिर वो मेरे ऊपर लीगली एक्शन हो सकता है या कोई बात हो सकती है। लेकिन उन भाइयों का वीडियो बनाए थे, ठीक है, वीडियो बना के डाले उन्होंने, गाड़ी सेल आउट करते वक्त क्या क्या एग्रीमेंट में था, मैं देखा, मैंने कहा इस बंदे को कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है उसके साथ। और वो, हाँ जी ठीक है, आपने ये आपको इतना पेमेंट देना है, हाँ ठीक है देना है। भाई कसम से कह रहा हूँ, इतना मतलब वो बंदा कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। मेरे हिसाब से जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था और उस बंदे की कहानी जब मैंने देखी उस वीडियो में कि आपको गाड़ी की EMI इतनी है, इतने पैसे पे करने हैं, ऐसे चलना है, नहीं चलोगे तो गाड़ी हम उठा लेंगे, एग्री हो, कल को भाई वीडियो सबूत बन गई, आप नहीं भरोगे, अपनी ऐसी तैसी भरा कमेटी गाड़ी की किस्त भरना पड़ेगा। लेकिन बैंक से आप लेते हो या शोरूम से लेते हो, कहीं ना कहीं आपके पास 1 महीना टूट जाती है EMI, तो अगले महीने भरने का ऑप्शन है, लेट सेट भरने का ऑप्शन है। लेकिन अगर डीलरों से आप लेते हो गाड़ी, तो भाई बहुत ही कथी कथी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आप फिर मूल दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो भाई पूरी वीडियो में आप लोग को मैंने यही समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए, अपनी गाड़ी जिम्मेदारी से लीजिए। और भाई मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि आप लो ही मत, आपकी समझ है तो ले सकते हो भाई, ठीक है गाड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉलीपॉप दिया जाता है, वो लॉलीपॉप छोटा सा होता है, चूस लो फिर फेंकना ही पड़ता है। मतलब आप गाड़ी ले लोगे, 2-4 महीने काम मिल जाएगा, उसके बाद गाड़ी बेचने का नौबत आ जाएगी आपको, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए हम लोग हाथ जोड़ के विनती है, कुछ हम लोग यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप लोग का हेल्प करते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो कम से कम आपको समझने का तो मौका मिलता है ना कि हाँ यार ये चीज़ ये है, ये इतने कॉल आते हैं ना भाई, इतने कॉल आते हैं कि कहते भैया यार ऐसे ऐसे की बात हो गई है, मैं गाड़ी लेके फंस गया हूँ, यहाँ से ले जाओ वहाँ से ले लो। भाई जागरूक बनो, अपने समझदारी से, अपने दिल से, दिमाग से फैसला लेना सीखो दोस्तों, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, बाद में भी कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा कि ऐसा गलती कभी ना करना जो आपको घर परिवार छोटे, पैसे जोड़ना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आपकी क्या राय है मेरी बातों पे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नीचे डिजिटल बॉक्स खुला हुआ है, आपकी कमेंट के इंतजार है।
जिस भाई का सही मुझे जेन्युइन कमेंट लगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड सारे बंदे कमेंट पढ़ने के बाद जो चीजें निकल के निर्णय आएगा उस पर फिर आप लोग को वीडियो बन के मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक टैक्सी ड्राइवर होने के नाते एंड एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोग को जिम्मेवारी मैंने दी है, जिम्मेवारी से अपनी बात रखिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। तब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मदन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।